वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीत ही। ए विषय भारतीय बसंत गीत ही। इसको आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का द्वारा लिखा गया है। इस विषय में कवि प्रकृति सौंदर्य को देखकर सरस्वती से नई वीणा को कैसे बजाते हुए बताया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कव्य है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीन काकली इति गीति संग्रहात् संकलितोस्ति। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वतः वीणायाः मधुर झङ्कृत्यः प्रभविन्दु शक्यन्ते इति भावना पुरस्वरं कविः प्रकृतेः सौंदर्य वर्णयम् सरस्वतीं वीणा वादनाय सम्प्रार्थयते। निनादय नवीनमये वाणी वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललित गीति लीनाम् अभ्नय अये वाणी नवीनां वाणी निनादय ललित गीति लीनाम् गीतिं मृदुङ्गाय। सरार्थ हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ सुंदर गीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालहा बसंते लसंतीह सरस रसालहा कलापाहा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय। अभ्नय ए बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालहा सरस रसालहा लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाहा लसंती अये वाणी नवीनां वीणा निनादय। सरार्थ इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली देखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियों सुशोभित हो रही है। सोनहर कुल वाली काल्यों के समूह सुंदर लोक रहे हैं। हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। मंद मंद शनिरे समीरे कालिंदात्म जाया शोभानीर तीरे तनां पंजी मालोक्य मधुर माधवीनाम निनादय। अभ्नय कालिंदात्म जायाहा शोभानीर तीरे शनिरे समीरे मंद मंद बोहाती मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। सरार्थ यमुना नदी के वेद की लताओं से युक्त तट पर जल मुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मैलयमा रूप चुंबिते मज्जुकुंजे स्वनंतित त्रिपेक्ष मलिना मलिनाम निनादय। अभ्नय मलयमा ऋत चुंबिते मलित पल्लवे पादपे पुष्प मंजुकुंजे स्वनंती मलिनाम अलिनां तंतिं प्रक्षे अये वाणी नवीनां वीणा निनादय। सरार्थ मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षण पंक्तों वाले वृक्ष फूलों के गुच्छ व सुंदर लता कुंज पर गुजार करते हुए काले मोर की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। लतानां नितांत सुमं शांतिशीलम चले दुच्छलेक्तौन सलिलं सलिलम तबाक्न वीणा मदीनां नदीनां निनादय। अभ्नय तब नदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितांत शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांत सलिलं सलिलं उच्छलेत अये वीणा नवीनां वीणा निनादय। सरार्थ तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं की एकदम शांत पड़े कोल झूम उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा। हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। शब्दार्थ इस विषय में कुछ कठिन शब्द है। निनादय नितारां वादय गुंजित करे वा बजाओ। प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मृदुंग चारु मधुरं कोलम मेलोडियस
ललित नीति लीनम सुंदर नीति संलग्नम सुंदर नीति में लोक मर्ज इन नाइस रूल्स मंजरी आम्र कुसुमम आम्र पुष्प ब्लोजुम ऑफ मैंगो ट्री पिंजरी भूतमाला पीत पंक्त्य पिले बन से युक्त पंक्त्य येलो रोज लसंती शोभंते सुशोभित हो रही है लुकिंग मैग्निफिसेंट ये अत्र यहाँ हियर सरसा रसपूर्ण मधुर जुइस रसाला आम्रहा आम के पेड़ मैंगो ट्रीज लतापाहा समूह समूह ग्रुप्स काकली कोकिलाना ध्वनि ही कोयल की आवाज साउंड ऑफ कोकोच बार्स सनीरे सज्जले जल से पूर्ण फुल ऑफ वाटर समीरे बायो हवा में इन द विंड कलिंदात्मा जाया यमुनाया यमुना नदी के ऑन द रिवर यमुना सवा निरतिरे बेतसयुक्त तटे बेत की लता से युक्त तट पर ऑन द स्वर विथ बाम्बोज तनाम नति प्राप्तम झुकी हुई द बैंड मधुमाध बिनम मधुमाध बिल तानम मधुर बालिनी लताओं का ऑफ मल्टी क्रीपर्स ललित पल्लवे मनोहर पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पंते ऑन एन अट्रैक्टिव लीफ पुष्प पुंजे पुष्प समूह पुष्प के समूह पर ऑन द बंच ऑफ फ्लावर्स मलय मारुत चुंबित मलयानी लसंग सृष्टि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए फूल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडल ट्री मंजू कुंजे शोभल लता बिताने सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान इन द समर हाउस स्वनंती ध्वनि कुर्बंतिम ध्वनि करती हुई क्रिएटिंग साउंड तत्तिम पंक्तिम समूह को दरो प्रेक्ष्य दृष्टवा देखकर सिंह मलिनम कृष्णवनम मलिन द ब्लैक अलिनम भ्रमराणम भ्रमर के ऑफ ड्रोन्स सुमम कुसुमम पुष्प को द फ्लावर शांतिशीलम शांतियुक्तम शांति से युक्त पीसफुल उच्छलित उद्धंगच्छेद उच्छलित हो उठे गो अप कांत सलिलम मनोहर जलम स्वच्छ जल क्लियर वाटर सलिलम क्रीड़ा सहितम खेल खेल के साथ इन ए प्लेफुल मैनर आकर्ण श्रुत्वा सुनकर लिसनिंग अभ्यास एक नंबर एक पदेन उत्तर लिखत क कवि ही कांग संबोधयति बीणाम ख कवि ही बीणा को वादयंतु प्रार्थयति बीणाम ग कीदृशी बीणां निनादयितुं प्रार्थयति नवीनाम घ गीतिकथं गातुं कथयति मृदुम व सरसा रसालाहा कदा लसन्ति बसन्ते नंबर टू पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखत क कवि ही बाणी किं कथयति उत्तर कवि ही बीणा पाणी कथयति अये बाणी नवीना बीणा निनादय ख बसन्ते किं भवति उत्तर बसन्ते सरसा रसाला लसन्ति कोकिला च कुजन्ति ग सलिलं तव बीणा काकर्ण्य कथम उच्चलत उत्तर सलिलं तव बीणा काकर्ण्य सलिलं उच्चलत घ कवि ही भगवती भारती कस्या तीरे मधुमाधवीना तना पंक्तिम अवलोक्य बीणा वादयितु कथयति उत्तर कवि ही भगवती भारती मधुनानध्या तटे मधुमाधवीना नतां पंक्तिम अवलोक्य बीणा वादयितु कथयति तीन नंबर ख स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेसां पर्यापदानी दंतानी तानी चित्वा पदानां समक्ष लिखत क स्तंभ ख स्तंभ क सरस्वती ख आम्रम ग पवन घ तटे व भ्रमराणाम ख स्तंभ एतिरे दो अलिनाम तीन समीर चार
बाणी पाँच रसालह सरस्वती बाणी आम्रम रसालह पवन समीर तटे तीरे भ्रमराणाम अलिनाम। नंबर फोर अधलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुत क निनादय ख मंदमंदम ग मारुतः घ सलिलम व सुमनः क निनादय ओए बाणी नबीना वीणा निनादय ख मंदमंदम पवनः मंदमंद बहति ग मारुतः शीतलः मारुतः बहति घ सलिलम वयं स्वच्छं मलिलं पिबेम व सुमनः उद्यने सुमनः विकसति। नंबर फाइव प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषाया आंग्लो भाषाया वा लिखत आशय हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ सुंदर नृत्यों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से युक्त पीला देखने वाली सरस आम को वृक्षों के पंक्तियों सुशोभित हो रही है मनोहर फूल वाले कार्यालयों के समूह सुंदर लग रहे हैं इसलिए ये सरस्वती नई वीणा को बजाओ जिससे जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। नंबर सिक्स अध्यलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत क कठोरम कोमलम ख कटु मधुरम ग शीघ्रम मंदम घ प्राचीनम नवीनम व नीरसः सरसः। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और भी नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।